नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, यह कहना है अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह का। उन्होंने कहा कि फिलहाल नदी खतरा बिंदु से नीचे है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में घाघरा नदी ने प्रतिवर्ष बाढ़ से यहाँ स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि गाँव व घर में बाढ़ के पानी से गिर जाने को पलायन की स्थिति हो जाती है। हालांकि इस बार प्रशासन बेहतर स्थिति का दावा कर रहा है। एडीएम वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह ने कहा कि आज की चेकिंग में घाघरा नदी खतरा बिंदु 71.68 मीटर से नीचे 70.90 मीटर पर है। वहां पर खाद्यान्न का टेंडर हो चुका है। बाढ़ की चौकियां पूरी तरह से तैयार हैं। दवा इलाज की विशेष व्यवस्था है। आवागमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 500 से ज्यादा नाव वहां मौजूद है। कटान की स्थिति देवारा खास राजा के झांगरा में थी, लेकिन अभी स्थिति ठीक है। कटान में घर में पूरी तरीके से नुकसान पर 1,20,000 रुपए की मदद के लिए भी तैयारी कर ली गई है। देखिए, जो जल का स्तर है अभी घाघरा में वो 70.90 है। हमारा जो खतरे का बिंदु है वो 71.68 है। तो अभी तो घाघरा का जल स्तर काफ़ी नीचे है और हम लोग वहाँ पर पूरा सतर्क हैं। हमारी जो 10 बाढ़ चौकियाँ हैं उस पर सबकी ड्यूटी लगी हुई है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है और राहत शिविर वगैरह भी हमारे तैयार हैं। तो जितनी भी तैयारी है बाढ़ से संबंधित वो उस पर हम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं और जो भी खाद्यान्न इत्यादि का टेंडर है वो सब भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है और उसके बारे में भी सारी तैयारियां हैं। तो किसी भी तैयारी के लिए हम लोग पूरी तरह से स्वास्थ्य कैंप भी लग रहे हैं और विद्युत की सारी चीज़ें व्यवस्था वहाँ पर हैं। सब व्यवस्थाएँ हैं और जैसे भी कोई ऐसा स्थिति बनती है तो उसमें बिल्कुल अलर्ट होना है तो वो तत्काल हम लोग विद इन 10 to 8 आवर्स। रास्ते में सर दीवारा खास राजा के उधर रास्ते की दिक्कत थी कि पानी आ गया था और फिर कटान की भी दिक्कत हो रही, कुछ मकान पे भी नुकसान हो रहा, क्या है इसमें? देखिए, वर्तमान में तो कोई भी ऐसा रास्ता बाधित नहीं है और यहाँ पर 71.40 के बाद जलस्तर के बाद कुछ गाँव में जो रास्ते हैं संपर्क मार्ग वो टूट जाते हैं। तो हमारे पास पर्याप्त 500 से ऊपर हमारे पास नावें हैं यहाँ पर आजमगढ़ जनपद में और उसको तब लगाया भी गया था, लेकिन अभी चूँकि जलस्तर नीचे हो गया है तो उसकी वजह से ऐसी कोई समस्या नहीं। सारे जितने भी संपर्क मार्ग सब चल रहे हैं। कटान की स्थिति यह है कि एक दो जगह था जहाँ जैसे देवारा खास राजा में झगड़ा एक गांव है वहाँ पर थोड़ी बहुत कटान की स्थिति थी, तो संबंधित अधिकारियों को बता दिया गया है कि वहाँ पर अपना जो भी मिट्टी वगैरह की कार्रवाई इसको कर लें। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब अभी तो कहीं कहीं संपर्क मार्ग भी नहीं कटा है या संपर्क मार्ग सब चालू हो तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।